हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि पिक्सआर्ट के जो पैड फॉन्ट होते हैं उनको हम किस तरीके से फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर हम पिक्सआर्ट को ओपन करते हैं तो और ओपन करने के बाद हम कोई फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके ऊपर हम टेक्स्ट डाल के देखेंगे। तो उसमें जब हम टेक्स्ट डालते हैं तो आपको कुछ फ्री फॉन्ट्स दिखाई देते हैं और कुछ पैड होते हैं। तो पैड वाले जो फॉन्ट होते हैं उनके लिए आपको रुपए देने होंगे, तभी आपके फॉन्ट वो खुलेंगे। तो अगर हम किसी फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से कोई अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसे मैंने यहाँ से जो मैंने अपने वीडियो के लिए बनाई थी उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो थोड़ा ऐड आ गया, यहाँ पे हमने कट कर दिया। और हम जैसे ही टेक्स्ट पे जाते हैं और टेक्स्ट यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया मैंने। और यहाँ से इसका कलर ब्लैक रख लेते हैं और फॉन्ट वाले ऑप्शन में आते हैं और यहाँ से पिक्सआर्ट फॉन्ट लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फॉन्ट जो पिक्सआर्ट की तरफ से जो फ्री में आपको दिए जाते हैं वो सभी आपको फॉन्ट दिखाई दे रहे होंगे। ये बेसिक से फॉन्ट आपको दिखाई देंगे। अगर आप फॉन्ट को अगर प्लस वाले आइकन पर ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे में दो ऑप्शन ऊपर की ओर आ रहे हैं, माई फॉन्ट्स और पिक्सआर्ट फॉन्ट्स। और नीचे के अगर फॉन्ट्स आप देख सकते हैं, अगर आप इन सभी फॉन्ट को अगर लेना चाहेंगे तो आपको रुपये देने होंगे पिक्सआर्ट को। तो अगर आप इन सभी फॉन्ट को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे में फर्स्ट नंबर पर है माई फॉन्ट्स, तो उसके ऊपर मैं ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कुछ फॉन्ट्स मिल जाएंगे। तो इन सभी फॉन्ट्स को मैंने कैसे ऐड किया है तो उस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन पर भी टैप कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले मिल जाए। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ फॉन्ट्स को डाउनलोड कर रखा है पिक्सआर्ट में। अब कैसे डाउनलोड किया है तो इसको डाउनलोड करने के लिए हमें बैक आ जाना है। अब बैक आने के पर हमें सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें किस ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर FX नाम का एक ऐप है। तो सबसे पहले इसको आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद हम किसी भी आप ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओपेरा ओपन कर लिया है, तो ओपेरा मिनी को मैं ओपन कर लेता हूँ। और सर्च बार में हमें यहाँ पर लिखना होगा, तो सर्च बार इसका खोल लेते हैं। और सर्च बार खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डा फॉन्ट लिखा है, इसके ऊपर ओके कर देते हैं। तो इस वेबसाइट के अंदर आपको फ्री में बहुत ढेर सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। आप इन सभी फॉन्ट को डाउनलोड करके अपने पिक्सआर्ट में सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये सभी फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। आप इसके ऊपर फॉन्ट की कैटेगरी को आप देख सकते हैं, यहाँ से कई सारे आप फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे इन सभी फॉन्ट को डाउनलोड करना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक फर्स्ट नंबर वाले फॉन्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन डाउनलोड वाला, तो इसके ऊपर ओके कर लेते हैं। और ओके करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो ये सभी फॉन्ट जो हमें डाउनलोड जब हम करेंगे तो ये सभी फॉन्ट आपको जिप फाइल में आपको मिलेंगे। तो कैसे इन्हें इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले हमें बैक आ जाते हैं। अब बैक आने पर जो हमने अभी एक ऐप डाउनलोड कर रखा था तो उसको हमें उसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद हमने जो फॉन्ट को डाउनलोड किया था डाउनलोड वाले ऑप्शन में आना है। और डाउनलोड वाले ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पर उस फॉन्ट को ढूंढ लीजिए जो आपने अभी डाउनलोड किया था। तो हम उस फॉन्ट को कैसे डाउनलोड देखेंगे, तो ओपेरा मिनी में हम जाना है फिर से हमें। और इस फॉन्ट का नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा फॉन्ट का नेम, तो फॉन्ट का नेम हम देख लेना है। अब बैक आ जाते हैं। तो उस फॉन्ट को हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह वाला फॉन्ट था और इसको हमें ओपन कर लेना है इसमें। और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर दिखाई दे रहा होगा TTF, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसको हमें ओके कर लेना है। इसको हमें प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें बैक आ जाना है।
और बैकअप आने पर हमें एसडी कार्ड में जाना है, और एसडी कार्ड में आने के बाद हमें पिक्सआर्ट के फोल्डर को ढूंढना है। तो पिक्सआर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे खुल चुकी है और फॉन्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर कॉपी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसको जो हमने कॉपी किया था इस यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन आ चुका है, तो इसको हमें पेस्ट कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पर जो हमने फॉन्ट अभी डाउनलोड किया था यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, और पेस्ट होने के बाद हमें बैक आ जाना है। बैक आने पर हमें उसी फिर से पिक्स आर्ट में चलना है, और पिक्स आर्ट में चलने के बाद हम यहाँ पे कोई फॉन्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे हम कोई फॉन्ट यहाँ पर इंटर करते हैं, आप जैसे कि यहाँ पर हमने टेक्स्ट इंटर कर दिया है और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर इसका कलर ले लेते हैं ब्लैक, इसको कुछ बड़ा कर लेते हैं, और प्लस वाले आइकन पर आना है। जब इस पर आकर आइकन पर ओके करेंगे तो आपको माई फॉन्ट्स वाला ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इसको जे फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आप इससे आपके एक ऑप्शन और बढ़ जाएगा माई फॉन्ट्स वाला, तो आप माई फॉन्ट्स यहाँ से सिलेक्ट कर ले, और सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमने अभी फॉन्ट को डाउनलोड किया था अब वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से मैंने कई सारे फॉन्ट यहाँ से डाउनलोड करके इसमें सेट कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं आप इन सभी फॉन्ट को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको इसमें कई सारे फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख लेते हैं किस हमें इसमें कई सारे फॉन्ट मिल जाते हैं, उन सभी को हमें डाउनलोड कर लेना है। और कैटेगरी भी आपको इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, आप किसी भी कैटेगरी में फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट से आप सभी फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप की एफएक्स की मदद से आसानी से इन सभी फॉन्ट को पिक्सआर्ट में सेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में लगे बेल आइकन पर भी टैप कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले मिल जाए। अगर आप दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।